हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वैलेंटाइन स्पेशल चॉकलेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, लेट्स स्टार्ट। अब वैलेंटाइन चॉकलेट्स है तो कलरफुल तो होनी ही चाहिए, साथ में मैं कुछ सिल्क चॉकलेट भी बना रही हूँ। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आगे की वीडियो में बने रहिए। तो चॉकलेट्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चॉप किए हुए व्हाइट कंपाउंड 1 कप, चॉप किए हुए मिल्क कंपाउंड 1 कप, और कुछ स्प्रिंकल्स हैं। आप कलरफुल स्प्रिंकल्स, हार्ट शेप स्प्रिंकल्स यूज कर सकते हैं, और रेड फूड कलर लेंगे। कुछ मोल्ड्स हैं यहाँ पे रोज शेप के और हार्ट शेप के। यहाँ पे मैं डबल बॉयलर के मेथड से ये चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। तो मैंने पानी लिया है, उसको बॉयल होने दिया, उसके ऊपर मैंने ये बाउल रख लिया है। ध्यान रहे, नीचे वाले बाउल में जो पानी है ऊपर वाले बाउल को टच नहीं होना चाहिए, वाफ से ये चॉकलेट मेल्ट होगा, लेकिन वाफ डायरेक्टली चॉकलेट में नहीं लगनी चाहिए, वरना ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो बीच बीच में इसी तरीके से चलाते रहे, और ये हमारा चॉकलेट जो है अच्छे से मेल्ट भी हो रहा है। ये हमारा चॉकलेट मेल्ट होकर रेडी हो गया है, इसे हम ले लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। मिल्क कंपाउंड को भी हम इसी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन सबके पास ओवन नहीं होती है, तो ये एक इजी मेथड है, ये हर कोई बना सकता है, बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ते। तो ये हमारा मिल्क कंपाउंड भी मेल्ट हो गया है, इसे भी हम ले लेते हैं साइड में। और ये व्हाइट कंपाउंड को जो हमने मेल्ट किया था, इसमें हम डाल देंगे 1 ड्रॉप रेड फूड कलर, मिला ले इसे। मैं यहाँ पे पिंक कलर के रोज़ बना रही हूँ, तो इसलिए 1 ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा और ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रोज़ वाला मोल्ड है, अगर साइड में इस तरीके से गिर जाए, मेसी हो जाए, तो टिश्यू पेपर से क्लीन कर लें। और ये मेल्टेड चॉकलेट को ये मोल्ड्स में भर देंगे और थोड़ा थोड़ा टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ। आप चाहें तो कलरफुल स्प्रिंकल्स अपने मन चाहा कलर के डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी डार्क कलर बनाना चाहे तो डार्क कलर के रोजेस भी बना सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है, आप कैसे पसंद करते हैं। ये मैं कुछ स्प्रिंकल्स भी ऐड कर रही हूँ। ये हम फ्रीजर में रख देते हैं। दूसरा मोल्ड ले लिया है मैंने, इसमें हम हाफ क्वांटिटी में भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। ये चॉकलेट जो है जम रही है, बहुत ठंड है आज यहाँ पे, तो ये थोड़े से और मेल्ट कर लेती हूँ मैं इसे सेम मेथड से। ये कुछ स्प्रिंकल डाल देंगे, ये हार्ट शेप के स्प्रिंकल थे मेरे पास, ये भी डाल रही हूँ मैं। मैंने ये चॉकलेट को जब मेल्ट कर रही थी, इसमें मैंने 1 ड्रॉप और रेड फूड कलर ऐड कर लिया ताकि कुछ और थोड़ा सा डार्क कलर भी हो जाए। तो ये हम आधा आधा भरे थे व्हाइट कंपाउंड, या अभी मिल्क कंपाउंड जो मेल्ट किया है ये भर देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे बहुत ठंड है, इसीलिए मैं व्हाइट कंपाउंड डालने के बाद फ्रिज में नहीं रखी। आपके इधर अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रखें, फिर वो जम जाने के बाद मिल्क कंपाउंड ऐड करें ऊपर से। और ये थोड़ा सा बच गया है मेल्टेड चॉकलेट, तो ये एक मैं बना रही हूँ कैडबरी सिल्क जो होती है ना, उस टाइप का। तो सारे मोल्ड्स को हम फ्रीजर में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो गए हैं, हमारा चॉकलेट जम गए हैं, इसे हम अनमोल्ड करते हैं। इसे अनमोल्ड करना बहुत ही ईजी है, बस एक बार पलट देने से ही निकल जाती है। साइड्स में अगर शेप कुछ बराबर नहीं नज़र आ रहा है तो आप इस तरीके से स्क्रैप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ है तो। इसी तरीके से हम दूसरे वाला मोल्ड को भी अनमोल्ड कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं निकले हैं तो दोबारा टैप करने से निकल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा चॉकलेट बनकर रेडी हो गया है, अच्छे से जम भी गए हैं, और ये वाला भी हम अनमोल्ड कर लेते हैं। वाह, तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक बॉक्स में ले लिया है। ये कितनी प्रिटी, कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप इसी तरीके से बॉक्स में आप पैक करके अपने वैलेंटाइन को ये चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे चॉकलेट्स बने हैं। ये रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कौन सी शेप ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी को शेयर करें, और मेरे चैनल में इसी तरह से जुड़े रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।